गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? होप दैट बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे बहुत ही जोश और होश के साथ में। प्यारे बच्चों, मैं श्री किशन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आरएसआर यूट्यूब चैनल पर एक शानदार और जानदार सेशन में। आज का सेशन अपना होने वाला है सर बहुत ही यूनिक, बहुत ही गजब। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सर ये अपना पीक्यूआरएस का लास्ट सेशन है। आज साल का अंतिम दिन, साल का अंतिम दिन और अपना भी अंतिम टॉपिक का अंतिम बिंदु, ठीक है? हाँ, तो सर सिलेबस पूरा एक बार के लिए तो पूरा, लेकिन आप इसे पूरा मत मानना। क्यों? क्योंकि ये तो वो बेसिक चीजें थी जो हमने आपको दी, असली संग्राम तो अब शुरू होगा, समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो भाई आज का इस ये जो आपका जो आज का सेशन है, इस सेशन को थोड़ा यूनिक बनाना है सभी को बड़े ही प्यार से, ठीक है? थोड़ा सा दिखाना है कि सर क्या कि आज के सेशन में हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दें फटाफट से, सबको बुला लें, ठीक है? हाँ, स्वागत तो करो हमारा। अरे बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। चलो सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज इसको एंड करते हैं और फिर मंडे से कोई नया रूप धारण करते हैं सर, ठीक है? अवतार दूसरा लेना पड़ेगा ना, अवतार दूसरा लेना पड़ेगा ना। और नया अवतार लेंगे तभी नए जमाने के नए लोगों के बीच में नए तरीके से नई मंजिल तक टिक पाएंगे भाई। तो रूप नया धारण करना पड़ेगा और वो हम कर लेंगे सर 2023 में। कब? 2023 में, यानी मंडे को। आज बहुत ही प्यारा है सर, आज बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज बहुत ही दुलारा है, अंतिम दिन है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हमारे और हम सबके प्रिय श्री किशन सर को सुप्रभात। बहुत मिले पर आप जैसा कोई नहीं मिला। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सुजल तेरे ऊपर ढेरों आशीर्वाद है, बस वो एक आशीर्वाद नहीं बन पा रहा जिसको मैं बनाना चाहता हूं, वो भी बन जाएगा जल्दी, ठीक है? हाँ जी, चलो सर शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन की। सबसे पहले बात करना चाहूंगा 1299 का अपना एक सुपर बैच, जिस बैच में हम डेली करते हैं प्रैक्टिस। वोकैब की प्रैक्टिस चल रही है, आज वोकैब को भी निपटा देंगे। वहां पर 100 क्वेश्चंस मैंने वोकैब के आपको वापस रिपीट करवा दिए। आज एट अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस और करेंगे और आज उसको फाइनल रूप दे देंगे मंडे से वोकैब वाले सेशन में। वोकैब का मतलब जो प्रैक्टिस का अपना सेशन है, उसमें भी हम कुछ नया रूप धारण करके आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है? यहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलती है, मिक्स लाइव प्रैक्टिस मिलती है, शानदार प्रैक्टिस है। ये बैच आपके लिए बहुत ही यूनिक होता है बेटा, इसमें हर बच्चे को आना चाहिए। यहां पर आपका लाइव चैट है, लाइव पोल है, लाइव रैंकिंग, लाइव स्कोरिंग सिस्टम, पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज और साथ ही कॉन्सेप्ट क्लास ऑन यूट्यूब भी आपको यहां पर मिल जाते हैं प्यारे बच्चे। इसके अलावा आपके लिए एक सुपर बैच और है, वो है सर आपका एक डेडिकेटेड भी, जिसे हम कॉन्सेप्ट के नोट्स का बेस बोलते हैं। यहां पर आपको जो भी टीचर पढ़ाता है वो सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं डेली। आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा के अपने आप को बहुत अच्छे से एनडीए के लिए तैयार कर सकते हो बाबू। रैंकिंग सिस्टम के साथ में नेगेटिव मार्किंग मिलती है और साथ ही साथ प्यारे बच्चे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट का फीचर भी आपको इसी बैच में मिलता है। ये दोनों बैच आपके लिए बहुत ज्यादा यूनिक है बेटा। चले चलो जी सर, टीम स्पेस आर एस सर को यदि किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं कर रखा तो बेटा इसको ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहती है, क्लियर? हाँ जी, शेयर कर दिया क्लास को? कर दिया सर, तो कर दें शुरू। पीक्यूआरएस करें सर? करो, आ जाओ। लो जी सर, पीक्यूआरएस पैराग्राफ अरेंजमेंट हम सीख रहे हैं। बोलो सर इसको अरेंज करके बताओ। आई शैल टेल यू अबाउट द वेज यू कैन सी अ रेनबो। आई शैल टेल यू अबाउट द वेज यू कैन सी अ रेनबो। बिग रेनबोज कैन बी सीन व्हेन द सन इज क्लोज टू होरिजन। Or you can notice a rainbow in the spray from a garden hose. You can see a rainbow in the mist from a waterfall. When you stand with the light source behind you and misty water before you, you can see a rainbow. Occasionally, even a full moon on a rainy night hoga. Rainy night. ठीक है। ओकेजनली इवन ए फुल मून ऑन ए रेनी नाइट विल क्रिएट अ फैंट रेनबो। बताओ सर किसका जवाब सही आएगा? हर अमावस को गांव नहीं जला करते, इस बात को याद रखते हुए जवाब देना है। बोलिए आया है कुछ, आता है कुछ? नहीं सर, बीसी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अरे तेरा ढेर सारा स्वागत है, जवाब सही दे दे।
देखो क्या कह रहा है कि आई शैल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा अबाउट द वेज, उन सारे तरीकों के बारे में, यू कैन सी ए रेनबो, जिन तरीकों से आप रेनबो को देख सकते हैं, जिन तरीकों से आप किसी इंद्रधनुष को देख सकते हैं, वो तरीके बताऊंगा। ठीक है, अब तरीके बता रहे हैं, बिग रेनबोज, पहले बड़े रेनबोज की बात नहीं होगी, पहले तरीका बताओ। तो तरीका देखो, वेन यू स्टैंड विद अ लाइट सोर्स बिहाइंड यू, कि पीछे तो तुम्हारे क्या है, कोई लाइट का सोर्स है, एंड मिस्टी वॉटर बिफोर यू, और आपके सामने मिस्टी वॉटर है यानी धुंध वाला पानी है, यानी ओस वगैरह है, यू कैन सी ए रेनबो, ऐसी कंडीशन में आपको रेनबो दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो रेनबो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे आपके कोई क्या हो सर, लाइट का सोर्स हो, और आगे सर क्या हो, मिस्टी वॉटर हो, ऐसी कंडीशन में आपको रेनबो दिखाई दे जाएगा। ये रेनबो का तरीका है देखने का। तो ये यही तो कह रहा है कि मैं आपको वेज बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। तो पहले मैं तरीका बता रहा है, और तरीका कहां बता रहा है सर, एश में बता रहा है। ठीक है, आगे चलो, आगे मैंने इस सेंटेंस को देखा, और का मतलब अथवा, और यू कैन नोटिस अ रेनबो इन स्प्रे फ्रॉम अ गार्डन होज, कि गार्डन होज जो है उसके स्प्रे में आप क्या कर सकते हो, रेनबो को देख सकते हो। तो ये अथवा जो है, और जो है, वो और क्या करता है सर, और हमेशा सेम रैंक वालों को जोड़ता है, और किसको जोड़ता है सर, सेम रैंक को जोड़ता है, उनको वो क्या करता है सर, ज्वाइन करता है। ठीक है सर, अब यदि वह उनको ज्वाइन करता है, तो ऐसा एक और सेंटेंस देखो जो इस प्रकार का ही भाव दे रहा है। वो सेंटेंस नीचे है, यू कैन सी ए रेनबो इन द मिस्ट फ्रॉम ए वॉटरफॉल। ठीक है, यानी जहां वॉटरफॉल होता है, वॉटरफॉल जानते हो क्या, झरना टाइप का। ठीक है, तो वॉटरफॉल से जो मिस्ट उठता है उसमें भी आपको रेनफॉल दिखाई दे सकता है। तो प्यारे बच्चे, यू कैन सी, यू कैन नोटिस, यानी दोनों सेंटेंस सेम रैंक के हैं सर, सेम रैंक के हैं। तो ये दोनों किससे जुड़ जाएंगे, और से जुड़ जाएंगे। पहले कौन आएगा, और वाला बाद में आएगा, आर पहले आएगा। तो सर जिसकी शुरुआत एस से होती है, और सर पहले आर के साथ में क्यू आ जाता है, उसी ऑप्शन पे चलो, वही ऑप्शन बैंड बजा देगा। आर क्यू है, एस है, एस है, इसमें भी आर क्यू है, एस में है, इसमें पी क्यू आर है, ये गया सर, इसमें एस है, इसमें क्यू आर है, ये भी गया। केवल और केवल कौन सा बचा सर, केवल और केवल आपका आर क्यू पी बचा, और आपका कौन सा बचा सर, पी आर क्यू बचा। इनमें से सही किसको निकालें वो देखना पड़ेगा, इनमें से सही कौन सा निकालें उनमें, उनको देखना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस, अच्छी बात बताऊं आपको, सर जी बताओ, सर जी बताओ, सर जी बताओ, सर जी बताओ, ये कह रहा है ओकेजनली इवन अ फुल मून, कि जब अ फुल मून होता है ऑन अ रेनी नाइट में विल क्रिएट अ फेंट रेनबो, तो वो भी एक रेनबो बनाता है। बिग रेनबोज कैन बी सीन व्हेन द सन इज क्लोज टू होरिजन, और बड़े जो रेनबोज हैं वो क्या करते हैं सर, अब भाई इसमें तो आपके दोनों ही सही है, दोनों ही बैठ रहा है मामला। When you stand with the light source, जब आप light source के पास में खड़े होते हैं, behind you light source तुम्हारे पीछे होता है, and misty water और misty water होता है before you तुम्हारे सामने, you can see rainbow, rainbow देख सकते हो। Big rainbows can be seen, बड़े rainbows देखे जा सकते हैं, when the sun is close to horizon, जब सूर्य horizon के नजदीक हो। फिर क्या बोल रहा है, ये और ये एक साथ आ जाएगा। अब इसकी जोड़ी occasionally, कभी कभी, ये भी किसकी बात कर रहा है सर, अकेले रेनबो की बात कर रहा है, यानी ये भी जनरल सेंस में रेनबो आ गया। ठीक है, यहां पर भी जनरल सेंस में रेनबो है, ठीक है, यहां पर भी जनरल सेंस में रेनबो है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है सर, बिग रेनबोज की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है सर सूर्य जब होरिजन के पास में होता है, यानी ये भी सर जी एक क्या हो गया, तरीका हो गया, और यहां पर बिग लाइट सोर्स वाला भी क्या हो गया, तरीका हो गया। तो आप क्या करेंगे, एस के बाद में पी वाला, यानी ए ऑप्शन को सही करेंगे, एस के बाद में पी वाला, यानी ए ऑप्शन को सही करेंगे, ए ऑप्शन आपका मामला बैठा देगा सर। ठीक है, हाँ जी, ए में कौन कौन है सर, कोई नहीं है, ए में कोई नहीं है। क्या कह रहा है कि मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिनसे रेनबो देखते हैं। तो शुरू में तो क्या कह रहा है कि पीछे लाइट हो, आगे मिस्टी वॉटर हो, रेनबो एक तो यहां दिखता है, दूसरा कि सर जो बड़े रेनबोज होते हैं वो कहां दिखते हैं सर, जब सूर्य होरिजन के पास में होता है तब बड़े रेनबोज देखते हैं। अब वो तुम्हें कह रहा है, ये दो सेंटेंस तो जनरल सेंस के हैं, दो सेंटेंस तो जनरल सेंस के हैं। अब वो आपको क्या कह रहा है कि यू कैन सी अ रेनबो इन द मिस्ट मिस्ट फ्रॉम अ वॉटरफॉल, कि वॉटरफॉल का जो मिस्ट है उसमें भी आप रेनबो देख सकते हो, और सर जी आप क्या कर सकते हो, स्प्रे फ्रॉम अ गार्डन होज, गार्डन होज से जो हम स्प्रे कर सकते हैं वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, रेनबो देख सकते हो। फिर क्या बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फुल मून होता है और रेनी नाइट होता है, तो उसमें भी हल्का हल्का रेनबो हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन को करो क्लिक, चलो आगे आ जाओ सर।
अगला क्वेश्चन बताओ, डेमोक्रेसी इज द प्राइमरी गोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी इज द प्राइमरी गोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इफ रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, दे आर चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स, ठीक है। न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल टेक देयर प्लेस, ठीक है। दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। दस इन अ डेमोक्रेसी द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल आर ग्रेट। ओके सर, बताओ सर, सेकेंड को फोड़ो। सर डी को एक्सप्लेन करना, मेरी बात सुनो। ये पीछे वाला जो सेंटेंस है ना, ये जो पीछे वाला सेंटेंस है ना, इसमें बच्चा कह रहा है सर डी को एक्सप्लेन करो। भाई डी में एक सेंटेंस तो ये आ गया, लेकिन ये क्यू जो है वो इसके सेम रैंक का नहीं है ना। इसमें सर वो एक नॉर्मल तरीके से बता रहा है कि सर वाटर होज में हम देख सकते हैं और वॉटरफॉल में देख सकते हैं, तो क्यू और आर तो एक साथ ही रहेंगे, और क्योंकि क्यू में और लगा है तो और वाला बाद में आता है और आर पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, इसीलिए ये डी गलत है बेटा, ठीक है। आप तो यहां आ जाओ, इसमें बताओ, बोलो सर, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। आ रहा है कुछ सर, सी कर दो। अच्छा सी को क्लिक कर दूं, कर दूं सी को क्लिक। वाह भाई, एक बच्चा कह रहा है सर सी को क्लिक करो, पहले इसको देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र है इज अ प्राइमरी गोल, वो एक प्राइमरी गोल है, लक्ष्य है टू सॉरी ऑफ अर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो भारत का संविधान है उस संविधान का प्राइमरी गोल क्या है, यानी भारतीय संविधान बनने का मेन जो हम गोल मानते हैं वो क्या है, वो है सर डेमोक्रेसी, कि भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए होना चाहिए, ठीक है साहब। ये बात तो सही है, सही है सर। ये कह रहा है सर इफ रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल दे आर चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन, कि जो प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, कोई एमएलए है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी जिसको हम बोल सकते हैं, यदि वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उनको हटा दिया जाता है, ठीक सर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर द रूलर्स, डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो रूलर्स होते हैं। अब बात को समझना कि सर बात किसकी हो रही है, डेमोक्रेसी की हो रही है, और डेमोक्रेसी यहां भी मतलब डेमोक्रेसी यहां भी है, उसी की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल जो है वो डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी की बात आगे होगी कि डेमोक्रेसी जो है उसमें पीपल खुद क्या करते हैं, रूलर होते हैं, राजा लोग खुद ही होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत जो है वो किससे हो जाएगी, क्यों से हो जाएगी। और देख लो एक बार डेमोक्रेसी कहां हो रहा है सर, और तो डेमोक्रेसी जो है ना, दस डेमोक्रेसी इस प्रकार डेमोक्रेसी, यानी यहां तो कंक्लूजन निकल रहा है छह नंबर में, तो इसलिए इसका कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे, न्यू रिप्रेजेंटेटिव कि सर जो नए रिप्रेजेंटेटिव है, हु आर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की जरूरत के बारे में अवेयर होते हैं, टेक देयर प्लेस, वो अपना स्थान ले लेते हैं। अपना स्थान का मतलब उनका स्थान ले लेते हैं, किनका, जिनको हटाया जाता है उनका स्थान ले लेते हैं। यदि कोई पीपल उनकी विशेष के अनुसार, लोगों की विशेष के अनुसार काम नहीं करता है कोई रिप्रेजेंटेटिव, तो उनको चुनाव में क्या कर दिया जाता है सर, हटा दिया जाता है, और उनका हटाया जाएगा तो उनकी जगह कौन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, समझ गए, न्यू रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के बाद में आर आएगा, यानी क्यू के बाद में क्या आएगा सर, आर आएगा, नो पी के बाद में आ रहेगा, पी के बाद में आ रहेगा, पी के बाद में आ रहेगा, क्यू तो शुरुआत ही कर रहा है, क्यू तो शुरुआत ही कर रहा है, तो क्या होगा सर, पी के बाद में आ रहेगा। क्यू ने शुरुआत कर दी डेमोक्रेसी की बात करके, पी हमें बता रहा है क्या कि सर रिप्रेजेंटेटिव को हटा दिया जाता है किसको, जो अच्छे से काम नहीं करते, और आर कह रहा है कि सर जो हटा दिया जाता है उनकी जगह आर वाले आके बैठ जाते हैं। एस क्या कह रहा है, दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दे रूल, वे रूल करते हैं यानी शासन करते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो रूल करते हैं। रूल कौन करते हैं, दे कौन है, दे पीपल है, दे कौन है, पीपल, कौन से पीपल, ये पीपल, कौन से, ये पीपल जो रूल करते हैं, रूलर होते हैं, ठीक है। यानी क्यू के बाद में एस आएगा, ये जो क्यू वाली बात है ना कि डेमोक्रेसी में लोग खुद ही राजा होते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है कि वो जो राजा है ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या करते हैं सर, शासन करते हैं, रूल करते हैं। यानी सर क्यू के बाद में एस आएगा, क्यू के बाद में एस आएगा, तो क्यू एस पी आर बन जाएगा। देखो सर, और अब भाई ये सी किसने बताया था, ये सी किसने बताया था, बोलो सी किसने बताया था, सी वालों, अरे सी वालों को, सी वाले को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, सी वाले को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो फटाफट,
सी वाले को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो फटाफट, सुजल बोल दे उसको। हाँ जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ये तो एकदम इजी इजी मिल गया ना, ये तो एकदम इजी इजी मिल गया। कैसे मिला एक बार वापस समझना कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोग खुद ही क्या करते हैं, राजा होते हैं, और वो शासन कैसे करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। यदि वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो उनको चुनाव में क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद में जो नए रिप्रेजेंटेटिव लोगों का ध्यान रखने वाले होते हैं उनको रख लिया जाता है। इस प्रकार डेमोक्रेसी में हम कह सकते हैं द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल आर ग्रेट, कि लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। समझ गए, समझ गए। सी सभी ने बताया था, अच्छा क्या बात है। तो सभी ऐसे बोल दो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, खुद को ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल लो। चलो सर आगे आ जाओ। चलो जी सर अगला क्वेश्चन देखो, सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर वेरियस पर्पसेस। आगे देखिए सर, द अदर सैटेलाइट्स वी हैव लॉन्च्ड आर द भास्कर, एप्पल एंड इनसेट A1, IB and IC. We have launched our first satellite Aryabhata on 19th April 1975. Our latest achievement is the launching of PSLV rocket. Therefore, in satellite technology, we are able to compete with other developed countries. Only a few other countries have developed satellite technology. Batao sir, kya hoga? सर क्या बोलूं, किसको बोलूं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल, बोलो बोलो बोलो, इसमें क्या होगा, कैसे बनाऊं इसको, कैसे बनाऊं। अरे आज तो कम से कम जोश दिखा दो, लास्ट है आज, साल 2022 जा रहा है। कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, हाँ तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, है ना। हाँ तो भाई अब साथ क्या निभाओगे, आ जाओ बताओ फटाफट। मिल गया, हाँ जी सर देखें, देखो सर कि सैटेलाइट्स, कि सर वो सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड, सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं इनटू स्पेस, स्पेस में फॉर वेरियस पर्पसेस, कि सर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में लॉन्च किए गए हैं। ठीक है सर जी, अब चलें सर द अदर सैटेलाइट्स। अब देखना ये क्या कह रहा है सर, अदर सैटेलाइट्स की बात कर रहा है, मतलब इनसे पहले भी कोई सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। हाँ जी सर ऐसा हो सकता है। तो साहब यहां साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया वो क्या था, आर्यभट्ट, 19th अप्रैल 1975 था, यह पहला था। क्या था यह पहला था, हाँ जी सर यह पहला था। तो अदर कौन से थे, अब अदर अपने हो गए इनसेट, आईए, आईबी एंड आईसी, यानी सर यह श्योर हो गया कि सर जी आपका जो क्यू है ना उस क्यू के बाद में तो पी आएगा, उस क्यू के बाद में तो सर पी आएगा, यह बात तो ठप्पा लगाओ, लगा दी सर। अब ये कह रहा है आवर लेटेस्ट अचीवमेंट इज पीएसएलवी रॉकेट, कि सर सबसे पहले हमने आर्यभट्ट ये लॉन्च किया कब, 1975 को। और सुनो रे मैं जीके पढ़ा रहा हूं, यदि क्वेश्चन आ जाए एनडीए में कि आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो अपना फर्स्ट सैटेलाइट है वो कब लॉन्च हुआ, तो क्या बताओगे, 19th अप्रैल 1975 बताओगे। ठीक है सर। अब सर जी देखो, पहले ये लॉन्च किया, फिर हमने इसके ये बाद में ये लॉन्च कर दिए, इनसेट वाले लॉन्च कर दिए सारे के सारे, भास्कर, एप्पल वगैरह ये सारे, फिर क्या हुआ, अभी हम लेटेस्ट अचीवमेंट हमारा क्या है सर, हमने पीएसएलवी रॉकेट किया है, फिर देयरफॉर इन सैटेलाइट लॉन्चिंग, और इस प्रकार इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में वी आर एबल, हम एबल है टू कंपीट विथ अदर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे हम कंपीट कर सकते हैं। यानी आर एस आ जाएगा, पी क्यू पी आर एस हो गया, क्यू पी आर एस हो गया, क्यू पी आर एस, बोलो रे ए आया क्या, मेरे तो ए आ रहा है, आपके क्या आ रहा है, मेरे तो ए आ गया, आपके क्या आया, बोलो बताओ देखें, सही है, हाँ जी सर सही एकदम क्लियर है, हाँ जी। तो आज साल जा रहा है, हाँ जी क्या बताऊं क्या बताऊं भाई क्या बताऊं। चलो 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 मिल गया, यही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है सर मेरे बी आया, मेरे सी आया, मेरे डी आया, ऐसा तो कोई नहीं है, नहीं है सर, पक्का पक्का सर। चलें आगे, चलो सर
आ जाओ, सबका ए है। चलो अगले क्वेश्चन में, फटाफट अगला क्वेश्चन निकालो। नेशनल इंटेग्रिटी मींस नेशनल यूनिटी फॉर ऑल, दे आर द एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रेशनलिज्म। ये रीजनलिज्म है क्या? हाँ चलो सर। और गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव सच टेंडेंसीज, बट देर आर सम एविल टेंडेंसीज इन अर सोसाइटी टू हैम्पर अर यूनिटी। द फीलिंग ऑफ इंडियननेस शुड बी अचीव्ड टू प्रिजर्व अर यूनिटी एंड दिस इज वॉट एवरी इंडियन शुड एम एट। वाह भाई, बताओ सर क्या होगा? बोलो सर, आज तो देशभक्ति का नारा लगा दो। बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। सर एंड किस किस को ज्वाइन करता है? बेटा एंड है ना, एंड वो लगभग समान रैंक वालों को, सेम रैंक वालों को ज्वाइन करता है। ठीक है, हाँ जी बोलो, इसको बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो। बोलो सी हो जाएगा पक्का, प्रॉमिस, वादा, क्या बात है। देखो मुझे तो जब इसको पढ़ा तो मुझे दो एक चीजें अच्छी लगी। क्या लगी? देखो यहां पर सच टेंडेंसीज लिखा हुआ है, इस प्रकार की प्रवृत्तियां, हां सर लिखा है। यहां पर एवल टेंडेंसीज लिखा हुआ है कि बुरी प्रवृत्तियां, हां जी। तो बुरी प्रवृत्तियों को रिमूव करने की बात हो रही है, हां जी गुरुजी हो रही है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो देखें, बट देर आर सम एविल टेंडेंसीज इन आर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में कुछ बुरी प्रवृत्तियां हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, टू हैम्पर आउटर यूनिटी, कि हमारी जो यूनिटी है उसमें बाधा डालने के लिए। हैम्पर का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। बाधा डालने के लिए कुछ बुरी टेंडेंसीज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? और गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव सच टेंडेंसीज, कि हमारी जो सरकार है वो इस प्रकार के टेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए क्या कर रही है सर? स्टेप ले रही है, कदम उठा रही है। ठीक है सर, मतलब क्या हो गया कि सर आर के बाद में क्यों होना है? आर के बाद में क्यों होना है? ठीक है सर, हो जाएगा। द फीलिंग ऑफ इंडियननेस, कि सर जो इंडियननेस की फीलिंग है शुड बी अचीव्ड, वो अचीव होनी चाहिए, टू प्रिजर्व, प्रिजर्व करने के लिए, और यूनिटी, हमारी यूनिटी को प्रिजर्व करने के लिए, हमारी यूनिटी को बचाने के लिए, हमारी यूनिटी को सेव करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए इंडियननेस की यानी भारतीयता की जो भावना है वो हमारे अंदर आनी चाहिए। ठीक है सर। दे आर द एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, दे आर द एविल्स, कि वे एविल्स हैं। अब सुनो मेरी बात को, यहां पर सर बात किसकी हो रही है? एवल टेंडेंसीज की बात हो रही है। किसकी बेटा? एविल टेंडेंसीज की बात हो रही है। तो एविल टेंडेंसीज को गवर्नमेंट क्या कर देगी सर? हटा देगी। एविल टेंडेंसीज को गवर्नमेंट क्या कर देगी सर जी? हटा देगी। मान लो कि सर हटा दिया, मान लो कि सर हटा दिया, ठीक है सर हटा दिया। अब यदि गवर्नमेंट ने हटा दिया, अब यदि गवर्नमेंट ने हटा दिया, तो ये यहां पर दे किसके लिए आया? दे किसके लिए आया सर? इन टेंडेंसीज के लिए ही आया। टेंडेंसीज यानी बुरी प्रवृत्तियां, और बुरी प्रवृत्तियां कौन सी है? एक तो सर कम्युनलिज्म है यानी जातिवाद है, और दूसरा सर क्षेत्रवाद है यानी रीजनलिज्म है। यानी सर जी आर और क्यू के बाद में पी आ जाएगा, आर और क्यू के बाद में पी आ जाएगा। ये टेंडेंसीज कौन सी है वो इस पी में बताया गया है। ठीक है सर, अब ऐसा देखो आर क्यू पी कहां है? ये आर क्यू पी, यहां आर क्यू पी नहीं है, यहां आर क्यू पी नहीं है, यहां भी आर क्यू पी नहीं। बताओ रे, मेरे तो ए आया, मेरी अमावस तो फिर गांव को जलाने वाली निकली, आपकी कैसी निकली बताओ? देखे सर ए ही होगा 100%। क्या बात है, क्या बात है सर? सी होगा। ए है भाई, सी नहीं होगा ना बाबा, ना सी नहीं होगा। सी का मतलब समझते हो? क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हाँ, तो सी का मतलब समझना कि नेशनल इंटीग्रिटी मींस नेशनल यूनिटी फॉर ऑल, कि सर नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है सर? नेशनल यूनिटी होता है, और हमारी सरकार जो है वो इस प्रकार की टेंडेंसीज को हटाने में लगी है, यानी हमारी सरकार हमारी यूनिटी को हटाने में लगी है, इस सी का यह मतलब है। तो सी तो इंपॉसिबल है सर, नहीं होगा। क्या होगा? केवल और केवल आपका ए हो जाएगा। चले चलो सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सांपों से डरते हैं। ठीक है सर, डरते हैं तो डरते हैं, क्या करें? किसको डर नहीं लगता सर? जो सांप खाते हैं उनको नहीं लगता। देर मे बी सम ट्रूथ, यहां कुछ सच हो सकता है इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी में। देखो दिस थ्योरी का मतलब क्या है? कि जरूर पहले किसी थ्योरी की बात हुई है। चलो देखते हैं कौन सी थ्योरी की बात हुई है। बिकॉज, क्योंकि मंकीज हैव अ डीप इंस्टिंक्टिव फियर, कि जो मंकीज होते हैं उनमें एक डीप यानी बहुत ही गहरा इंस्टिंक्टिव फियर होता है, यानी सर एक डर होता है
है ना। और ये डर कैसा होता है सर? इंस्टिंक्टिव, यानी जो उनकी एक प्रवृत्ति में आ गया, उनकी प्रवृत्ति में आ गया ऐसा डर है। ओ पाइथन से, उन्हें डर किससे लगता है? पाइथन से लगता है, एंड अदर ट्री स्नैक्स, और पेड़ों में रहने वाले जो स्नैक्स होते हैं उनसे लगता है। किसको? बंदरों को डर लगता है। यानी सर बंदरों में भी एक जन्मजात डर है, उनकी प्रवृत्ति में भी एक डर तो है। तो जरूर किसी ऐसी थ्योरी की बात हो रही है जो थ्योरी डर वाली थ्योरी है। ये सेंटेंस ऐसा कहना चाहता है। बी को, क्यू को पढ़ो। बट दिस फियर, लेकिन ये जो फियर है, दिस फियर का मतलब कौन सा फियर? यानी ये किसी फियर की बात कर रहा है, तो फियर तो यहां पर भी है ना। अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, वो सांपों से डरते हैं, मतलब डर तो है। हाँ जी सर है। तो दिस फियर इज इरेशनल, कि ये जो डर है ना सर वो इरेशनल है, यानी सर वो बिना तर्क का है, उसके पीछे कोई तर्क है नहीं। एज द फियर ऑफ गॉस, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भूतों का डर होता है, कि जिस प्रकार भूतों का डर होता है और उसके पीछे लॉजिक्स नहीं होते, कोई तर्क नहीं होते, सेम कंडीशन सांपों से डरने वाली भी है, कि ये जो डर है इसके पीछे भी कोई लॉजिक्स नहीं होते, कोई तर्क नहीं होते। ठीक है सर। एनीवे, खैर, स्नेक्स हैव बीन फ्रेड, स्नेक्स जो है उनको डराया जाता है, एंड हेटेड, और उनसे घृणा की जाती है, 4000 ऑफ ईयर्स, यानी हजारों सालों से सांपों को डराया भी जाता है और सांपों से नफरत भी की जाती है। ये एनीवे का क्या कहना चाहता है कि मैं तो एंड में आऊंगा, है ना। जब आप पूरी बहस कर लेते हैं और बातें जब पूरी की पूरी निपट जाती है, तो लास्ट में क्या बोलते हैं? एनीवे ऐसा कर लो, कि जो भी है ऐसा कर लो। ठीक है, हाँ। तो एनीवे हमें कह रहा है कि मैं लास्ट में आऊंगा भाई, ठीक है आ जाना। द फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों का जो डर है, अकॉर्डिंग टू सम बायोलॉजिस्ट, यानी कुछ ऐसे जीव विज्ञान वेता हैं, है ना, जो सर क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट कुछ ऐसे हैं, उनके अनुसार जो सांपों का डर है, मे बी एन इंस्टिंक्ट पास्ट, यानी वो एक प्रवृत्ति है जो कि पास्ट हो गई, यह एक प्रवृत्ति है पास्ट ऑन टू अस, जो हमारे ऊपर पास कर दी गई बाय अवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, यानी सर हमारे पूर्वज जो बड़े लोग थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनमें यह प्रवृत्ति थी और उनको हमारे ऊपर धकेल दिया गया। यानी पहली बार जब छोटा बच्चा होता है, कोई सांप आ जाता है, तो दादाजी के बोलते, अरे सांप आ गया, सांप आ गया, छोटे को दूर लाओ वरना खा जाएगा। तो छोटे के मन में यह आता है कि ये जो चीज है ना, काली काली लंबी लंबी जो जमीन पे चल रही है, ये जरूर कोई खाने वाली चीज है, इससे आदमी मरता है, वरना तो छोटा बच्चा सांप को एक मुंह में लेके एक वीडियो आया था, वो तो नहीं मरा। ठीक है, तो उसके मन में ये थ्योरी बिठा दी जाती है कि सांप जो होता है वो नुकसानदायक होता है। तो बाबू आप याद रखना, जब हम इस एस वाली लाइन को पढ़ते हैं कि बायोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने एक इंस्टिंक्ट यानी एक प्रवृत्ति के रूप में इस डर को हमारे ऊपर पास ऑन कर दिया, यानी हमारे तक पहुंचा दिया और हम भी डरने लग गए, ये क्या हो गई सर? ये एक थ्योरी हो गई। तो ये यहां पर जो बात कर रहा है, दिस थ्योरी, मतलब ये जो थ्योरी है वही थ्योरी ये है, दिस थ्योरी बिकॉज, अब ये कहना चाहता है कि ये जो बायोलॉजिस्ट की जो थ्योरी है, ये थ्योरी सच भी हो सकती है। क्यों सच हो सकती है? क्योंकि सर बंदरों में भी पाइथॉन्स का क्या होता है, जो बड़े बड़े अजगर होते हैं, उनका क्या होता है? डर होता है। और जो पेड़ों में रहने वाले स्नेक होते हैं, उनका डर होता है। तो सर ये थ्योरी सच भी हो सकती है कि पुराने समय से लोग जो थे वो डरते थे, उनसे हम भी डरने लग गए, पीछे वाले बंदर भी डरते थे, अब वाले बंदर भी डरने लग गए। तो ये सर क्या है? एक थ्योरी है। तो कहने का उद्देश्य क्या हुआ कि एस के बाद में पी आएगा, यह बात तो फिक्स हो गई। एस के बाद में पी आएगा, यह बात तो फिक्स हो गई। दूसरी चीज को देखना कि सर दिस फियर इज इरेशनल। अब ये दिस फियर किसकी बात कर रहा है सर? किसी डर की बात कर रहा है, और पीछे डर की बात कहां हो रही है बेटा? स्नेक्स से लोग डरते हैं, सांपों से लोग डरते हैं, यहां हो रहा है। यानी शुरुआत किससे होगी सर? शुरुआत दिस फियर, बट दिस फियर से होगी, यानी सर क्यू से हो जाएगी। अब उस ऑप्शन के पास में चलो जिसकी शुरुआत क्यू से हो रही है, और बात कहां आके अटक रही है? एस और पी पे आके अटक रही है सर। शुरुआत सर जी क्यू से हो गई, एस पी नहीं आया सर, एस पी आना चाहिए, एसपी आना चाहिए, ये पड़ा साहब एसपी, यानी सर आर ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और देख लो डी में आर एंड में आया ना, हाँ सर आया। और मैंने कहा था कि एनीवे कहां आएगा सर? एंड में आएगा। एनीवे कहां आएगा? एंड में आएगा। बोलो डी वालों, बोलो रे डी वालों, बोलो। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी, आकर थोड़ी देर आओगे और भूल जाओगे। देखो एक सैनिक ने क्या खूब कहा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। क्या बात है यार, इमोशनल बात कर दी तूने तो, बहुत अच्छा। तो सबका सही है? हां जी सर। चलें, चलो सर अगला बताओ। अरे बी वाला कौन है? बी वाला,
बी वाला कह रहा है कि सर क्यू आएगा फिर पी आएगा, क्यू के बाद में पी। ना भाई ना, पी क्यू के बाद में पी नहीं आ सकता, क्योंकि थ्योरी कौन सी है, थ्योरी इससे मैच कर रही है एस वाले से। ये तो 100% हो गया कि एस के बाद ही पी आएगा, इसलिए बाबू बी नहीं आएगा। अंकित कुमार बी गलत है बेटा, ठीक है। चलो जी सर, सिक्स्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा जोर आ सकता है, थोड़ा सा लंबा जोर आ सकता है, जोर आए तो आए लेकिन आंसर देना है, जोर आए तो आए लेकिन आंसर देना है। हां जी सर, बोलो जी सर, बोलो बेटा बोलो, फटाफट बोलो जी। देखो, वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल वियर क्लॉथ्स इज द प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, इज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। ठीक है सर, हिंदी बोलता जाऊं साथ का साथ, है ना, फिर आप बनाते रहना। वन ऑफ द रीजंस यानी जो भी कारण होते हैं, व्हाई पीपल वर व्हाई पीपल वियर क्लॉथ्स, कि लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और उनमें से जो एक कारण है, एक जो रीजन है, वो क्या है, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, कि वो अपनी बॉडीज को प्रोटेक्ट करते हैं, बाहरी चीजों से बचाते हैं। ठीक है सर, इन कोल्ड कंट्रीज, जो ठंडे देश होते हैं, उन देशों में, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, पीपल वियर वूलन क्लॉथ, लोग जो है वो वूलन क्लॉथ पहनते हैं, विच कीप द बॉडी वार्म, जो बॉडी को गर्म रखती है। ओके, बिजाइड्स कॉटन, कॉटन एंड वूल के अलावा, कॉटन और वूल के अलावा, न्यू फाइबर्स, कुछ नए फाइबर होते हैं, सच एज नाइलॉन, जैसे नाइलॉन है, एंड रियॉन, जैसे रियॉन है, आर ऑल्सो यूज टूडे फॉर क्लॉथ, वो भी कपड़ों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन हॉट कंट्रीज, जो गर्म देश होते हैं, लाइक इंडिया, जैसे भारत है, पीपल वियर, इन देशों में लोग पहनते हैं क्लॉथ, कपड़े मेड ऑफ कॉटन, जो कॉटन के बने होते हैं, विच आर कूल, जो कि ठंडे होते हैं। The body has to be protected. Body जो है उसको बचाना होता है from cold and heat. यानी cold और heat से बचाना होता है। ठीक है, weekend से हम कह सकते हैं therefore इस प्रकार that all our clothes, कि हमारे सारे के सारे कपड़े are made, वो बनाए जाते हैं from three different materials. तीन अलग अलग प्रकार के material से हमारे कपड़े बनाए जाते हैं। Animal fur और skins, animal के fur और skin से बनाए जाते हैं। Plants fibers, पौधों के fibers से बनाए जाते हैं। एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, और जो आर्टिफिशियल फाइबर है उनसे बनाए जाते हैं। अब आप बताइए सर सही कौन सा होगा। अच्छा, आंसर भी मिल गया सर, बी होगा, बी होगा, बी होगा। ये कह रहा सर साइड हो जाओ, अरे भाई साइड आ गया, अब देख ले, अब देख ले, मैं साइड आ गया, बोलो फटाफट, मैं साइड आ गया, अब देख बेटा, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलो, अर्जेंट दुबे, रोना बंद कर दे, आराम से देख ले यार। सर डी को लॉक कर दो। अच्छा, डी को लॉक कर दूं, ऐसे तो कैसे कर दूं, ऐसे कैसे लॉक करूं, ऐसे कैसे लॉक करूं, कुछ कह रहे हैं बी बी तो करो, तो भाई बी को लॉक करूं कि डी को लॉक करूं, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी को एक साथ बोलने पे बी डी निकलता है मुंह से, इसलिए बी डी को साथ मत बोलो, बीच में सी को लाओ, बी सी डी करो, हैं। हाँ बोलो जी, सर बी ही होगा। चलो देख लेते हैं अब एक बार के लिए, मुझे दो चीजें समझ में आ रही है। क्या? एक चीज मुझे यह समझ में आई कि जब इसने यह कहा ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कोल्ड कंट्रीज में लोग वूलन कपड़े पहनते हैं, मतलब पहली तरफ कुछ और होता है, तो इधर जब यह गर्म कपड़ों की बात कर रहा है तो ठंडे कपड़ों वाला कहां है, इन हॉट कंट्रीज, यह पहले आएगा और ऑन द अदर हैंड यह दूसरा आएगा। यानी सर आर के बाद में पी होगा, आर के बाद में पी होगा, ये 101% क्लियर हो गया कि आर के बाद में पी होगा, उस ऑप्शन के पास चलो जो आर के बाद में पी लाता है। चले सर, आरपी है क्या, नहीं है सर, आरपी है, हाँ जी सर, आरपी है, हाँ जी सर, आरपी है क्या, नहीं है, बस अब या तो सी या बी, दोनों में से एक हो जाएगा। ये एस से शुरुआत कर रहा है, ये क्यू से शुरुआत कर रहा है, तो क्यू के पास भी चलो। बिजाइड्स कॉटन, कॉटन के अलावा, अब देखो मेरी बात को सुनो सर, कॉटन एंड वूल के अलावा फाइबर्स जैसे नाइलॉन रियॉन वगैरह हो गए, इनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, यानी ये जब बात किसकी कर रहे हैं सर, कॉटन और वूल की बात कर रहे हैं, इनके अलावा, यानी मतलब ये हुआ कि कॉटन और वूल की पहले बात हो चुकी है। ये सेंटेंस ऐसे बोल रहा है, क्यू सेंटेंस ऐसे बोल रहा है कि सर बिजाइड कॉटन एंड वूल, मतलब क्या हुआ कि कॉटन एंड वूल की बात पहले हो चुकी है, हो चुकी है, तो पहले वो सेंटेंस ढूंढो जहां पर कॉटन की बात हो रही है और सर वूल की बात है।
है ना, जहां पर कॉटन की बात हो रही है। हाँ जी सर, ये देखो वुलन कपड़े यहां और कॉटन के कपड़े यहां, सर दोनों बात हो चुकी। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि आर के बाद हमने पी किया था, अब श्योर हो गया कि क्यू जो है वो आरपी के बाद ही आएगा। 100% क्यू कहां आएगा सर, आरपी के बाद ही आएगा। तो आरपी क्यू देखो, आरपी क्यू देखो सर जी, ये पढ़ा आरपी क्यू, यहां पर क्यू शुरू में आ गया सर जी। बी ऑप्शन को लॉक करो, बी ऑप्शन को लॉक करो। ये था सर 27 करोड़ रुपए का, ये क्वेश्चन था 27 करोड़ रुपए का। बोलो कौन जीता, कि वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ ना पाए, रिश्ता हमारा कोई तोड़ ना पाए। अच्छा, वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ ना पाए, रिश्ता हमारा कोई तोड़ ना पाए, दिल एक है हमारा और एक जान है हिंदुस्तान हमारा, हम इसकी शान है। क्या बात है, मिल गया रे, किस किस को मिला? बी वाले आपको बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, अब सेंटेंस को बना लो। वन ऑफ द रीजन वाई पीपल वियर क्लॉथ इज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, उसके बाद में आ जाएगा क्या सर, एस से शुरुआत हो जाएगी। तो द बॉडी हेज, अब देख लो एक दिमाग और लगाना कि सर हम अपनी बॉडीज को बचाने के लिए क्या करते हैं, कपड़े पहनते। तो ये साफ साफ लिखा, द बॉडी हेज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड एंड हीट, कि बॉडी को बचाना किससे है, ठंड और गर्मी से बचाना है। ठीक है, तो एस हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, गर्म कंट्रीज में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, ठंडी कंट्रीज में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, दोनों में वुलन और कैसे होते हैं सर, कॉटन के कपड़े होते हैं। तो वुलन और कॉटन के अलावा सर ऐसे फाइबर भी यूज किए जाते हैं। फिर नीचे वाले में देख लो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कपड़े जो हैं वो तीन प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं, जानवरों के फर से बनाए जाते हैं, जानवरों की स्किन से बनाए जाते हैं, फिर आपके जो पेड़ों के फाइबर होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, और आपके जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी सर, बी ऑप्शन सही है, सही है सर। चले आगे, चलो सर। अरुणा यादव, अरुणा यादव कह रही है सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, मैं तो पढ़ भी रहा हूं और तूने टोपी लगा रही है, मैंने वो टोपी भी देख ली, तेरी टोपी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो सर सेवेंथ बताओ। ए मैन शुड गिव द सेम केयर टू हिमसेल्फ दैट ही गिव्स टू हिज कार। ओहो क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है। एंड सूनर और लेटर देर कम्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, एवरी डे टेंस ऑफ थाउजेंड्स और मेन आर ट्राइंग टू वर्क वेन देयर बॉडीज एंड माइंड आर इन नीड ऑफ रिपेयर वर्क। ठीक है, फॉर वरी पुल्स डाउन द माइंड एंड फटीग पुल्स डाउन द बॉडी। ठीक है सर, ही डज नॉट ट्राई टू ड्राइव हिज कार वैन वैन देर इज समथिंग रॉन्ग विथ इट, ही हैज टू पुट इट इन ऑर्डर। ओके, मैन should realize that most worry and fatigue can be prevented. एकदम इजी क्वेश्चन बन गया, इसको पढ़ते ही एकदम इजी बन गया, पढ़ते ही। बोलो फटाफट, बोलो रे जवानों, बोलो। हट जाओ सर, अरे हट गया लाडो, हट गया, ऐसे गुस्सा मत कर लाडो, लाडो गुस्सा मत कर। हां जवाब दे बस, जवाब दे बस, बोलिए सर। सुनील यादव बोल बेटा, इसका जवाब दे। अच्छा ए ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा बी भी हो गया, डी भी हो गया। अरे 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 बी डी बी डी बी डी सी भी हो गया, डी भी अल है। फिर मैं क्या करूं, सारे ही लिख दूं, सारे आंसर दे दूं, सेवेंथ में सारे ही आंसर कर दूं क्या, ए बी सी डी सभी करूं। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कुछ चीजें पकड़ा करो सर जी। कौन सी चीजें पकड़े, देखो मुझे तो ये पकड़ में आया, यहां क्या लिखा है सर, वरी लिखा है, यहां क्या लिखा है सर, फटीग लिखा है। ये वरी और फटीग की बात ऊपर भी तो हो रही है ना कहीं पे, हाँ सर हो रही है। ये पढ़ी देखो, वरी की बात हो रही है सर, फटीग की बात हो रही है। मतलब क्या हो गया कि ये आर है ना, ये लास्ट में आएगा, आर लास्ट में आएगा। यहां आर लास्ट में है क्या, नहीं है। यहां आर लास्ट में है, यहां आर लास्ट में है क्या, नहीं है। यहां आर लास्ट में है, यानी अब बी और डी पे गाड़ी अटक गई। यही काम एग्जाम में आपको करना है। जैसे मैं कोई चीज पकड़ता हूं ना कि भाई मुझे तो यह चीज मिली, मैं तो इससे बनाऊंगा, ऐसे आपको भी परीक्षा में जाके बनाना है, ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। ठीक है, हां जी सर, पक्का पक्का सर, बना लोगे, बना लेंगे सर, है ना। डी को लॉक कर दो, चलो अभी कर देंगे, रुको एक बार, रुको एक बार। अब क्यूपीएस के पास में चलो सर, क्यू क्या कह रहा है, एवरी टेंस ऑफ थाउजेंड थाउजेंड्स और मैन, एवरी टेंस ऑफ थाउजेंड्स यानी एवरी डे हर दिन, टेंस ऑफ थाउजेंड्स यानी सर दसियों हजार लोग
और मेन या फिर लोग आर ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं टू वर्क काम करने की व्हेन देयर बॉडीज जब उनका शरीर एंड माइंड्स और जो दिमाग है आर इन नीड ऑफ रिपेयर वर्क। सुनो क्या कह रहा है कि हर दिन ऐसा होता है कि सर हजारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी को रिपेयरमेंट की जरूरत है। बॉडी चाहती है कि मुझे थोड़ा आराम दे दो, उनका दिमाग चाहता है मेरा आराम दे दो, फिर भी वो काम करते हैं। उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं सर, काम करते हैं। ठीक है, बात किसकी हो रही है सर, कार की बात हो रही है। बात ऊपर किसकी हो रही है, कार की हो रही है कि ए मैन शुड गिव द सेम केयर ऑफ हिमसेल्फ दैट ही गिव्स टू हिज कार, कि एक आदमी को खुद को भी उतना ही क्या करना चाहिए सर, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, खुद को भी उतना ही क्या करना चाहिए सर, केयर करनी चाहिए जितनी वो अपनी कार की केयर करता है। तो पहले तो ऐसा देखो, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है इसमें कोई ऐसा सेंटेंस है क्या जो इस कार वाली बात को आगे बढ़ा रहा है? सर जी एक सेंटेंस है, कहां देख लो, ये रहा, ही डज नॉट ट्राई टू ड्राइव हिज कार, वो अपनी कार को कभी नहीं चलाता। व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, जब कार में कोई गड़बड़ होती है तो कार को आदमी कभी नहीं चलाता है, ही हैज टू पुट इट इन ऑर्डर, उसे इसे क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। यानी ऊपर बात किसकी हो रही है कि आदमी को अपनी केयर करनी चाहिए उतनी जितनी अपने कार की करता है। फिर कह रहा है कि जिस प्रकार जब वो कार की केयर कब करता है, जब कार खराब होती है तो वो चलाता नहीं है, उसको सही करवाता है। ठीक है, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी पैदा क्यों कर रहा है, क्यों जो है वो इसकी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है कि सर कार के साथ में तो ऐसा बिहेवियर और खुद के साथ में कैसा बिहेवियर। खुद सर हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी भी थकी हुई रहती है, दिमाग भी थका हुआ रहता है, खराब है, उनको रिपेयर की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं सर, फिर भी सर जी वो काम करते हैं। यानी ये श्योर हो गया कि पहले के बाद में शुरुआत एस से होगी और एस के बाद में क्यों आएगा, ये भी श्योर हो गया। और एक चीज कहां श्योर हो गई थी, एक सर वरी और फटीग वाली श्योर हो गई कि वो लास्ट में आएगा। तो सर एस क्यू से शुरुआत हो जाए और आर एंड में आ जाए, तो फिर सर हम क्या कर देंगे, डी को लगा देंगे, क्लिक कर देंगे और डी को लॉक कर देंगे। बोलो डी को लॉक किया, हाँ जी सर किया, बोलो बोलो रे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, किस किस का सही है, एक बार सही वाले कर दिया करो सर, हमारे अंदर जोश बहुत ज्यादा है, सही वाले बताया करो तुरंत चलें। चलो सर अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, इन अर होम एवरी डे, इन अर होम हमारे घर में एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति ड्रिंक्स मिल्क दूध पीता है एटलीस्ट वंस अ डे, यानी दिन में एक बार हमारे घर का हर सदस्य क्या करता है सर, दूध पीता है, भाई दूध या घर है लगता है सारा ही। ऑल दीज वी ओव टू अवर मिल्कमैन, यानी ये सारा का सारा श्रेय जो है वो हमारे दूध मैन को जाता है, मिल्कमैन को जाता है, जो हमें सुबह सुबह दूध दे के जाता है। ठीक है सर, वी हम द चिल्ड्रन बच्चे गेट मिल्क ट्वाइस अ डे, और हम जो बच्चे हैं ना वो सर दो बार दूध पीते हैं। ठीक है, ही सेज वो कहता है, ही इज 18 कि वो 18 साल का है, बट ही इज नॉट श्योर, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो 18 साल का ही है क्या। वी ऑल्सो ईट कर्ड, हम कर्ड भी खाते हैं, एंड एंजॉय बटर मिल्क, और हम बटर मिल्क को भी एंजॉय करते हैं। प्रोबेबली शायद ही नीड्स मोर मिल्क देन वी, ऐसा लग रहा है कि उसको हमसे ज्यादा दूध की जरूरत है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो कितने साल का है। इसमें कौन बताएगा सर क्या हो जाएगा, बोलो सर, सी कर दो, ए करा, ए कर दो, ए करा, बी क्यों नहीं हुआ पीछे वाले में, अरे भाई यार कैसे बताऊं, बी इसलिए नहीं हुआ पीछे वाले में क्योंकि देखो पहले बात कार की चल रही है तो कार वाली ही बात आगे बढ़ेगी, इसलिए एस आएगा शुरू में, और यहां बी में एस है नहीं शुरू में, इसलिए बी नहीं हुआ। ठीक है चलो अब ये बताओ, बोलो बेटा, बोलो रे बाबू, बोलो रे, जवाब दो रे, मिला कुछ, ये खाता पीता घर है, इसमें सब खाते पीते हैं, तो देखो मुझे दो चीजें समझ में आ रही है, ही सेज वो कहता है, ही इज 18 कि वो 18 साल का है, बट नॉट श्योर, श्योर नहीं है। प्रोबेबली ही नीड्स मोर मिल्क, शायद उसे ज्यादा दूध की जरूरत है। ऑल दीज वी ओव टू अर मिल्कमैन, कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका श्रेय किसको जाता है, ये दूध का श्रेय मिल्कमैन को जाता है, तो ये ही किसके लिए आया सर, मिल्कमैन के लिए आया, यानी सर पी के बाद में आर आएगा, और आर जो है उसके बाद में सिक्स नंबर आएगा, यानी एंड में होगा, क्यों, क्योंकि सर उसको किसकी जरूरत है, ज्यादा दूध की जरूरत है। यानी पी आर सिक्स कहां पर है, पी आर जहां एंड में आए वहां चलो, पी आर यहां एंड में नहीं है, पी आर यहां एंड में है, पी आर यहां एंड में नहीं है, पी आर यहां एंड में नहीं है, तो क्या हो गया, बी ऑप्शन एकदम क्लिक हो गया सर। अब सेंटेंस को बना के देख लो, इनर होम हमारे घर में एवरीवन ड्रिंक्स मिल्क एटलीस्ट वंस ए डे, यानी दिन में एक बार क्या मिलता है सर, सभी को दूध मिलता है। फिर कह रहा है कि वी द चिल्ड्रन
गेट मिल ट्वाइस अ डे, यानी बाकी सबको तो दिन में एक बार मिलता है और हम बच्चों को दो बार मिलता है, यानी शुरुआत किससे हो जाएगी सर, क्यों से हो जाएगी, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देख लो सर, वी ऑल्सो ईट कर्ड एंड एंजॉय बटर मिल्क, कि हम जो बच्चे लोग हैं वो दो बार तो दूध पीते हैं, हम कर्ड भी खाते हैं और बटर मिल्क भी करते हैं, यानी सर एस हो गया क्योंकि बाद में, ठीक है सर। अब अपने पास में कौन सा बचा, यानी ये सारा काम, यानी ये कर्ड वाला, बटर मिल्क वाला, दो बार दूध वाला, ये सारा काम जो होता है उसका श्रेय किसको देते हैं, मिल्कमैन को देते हैं। तो सर जी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। मिल्कमैन कहता है कि वो 18 साल का है, लेकिन उसे याद नहीं है कि वो 18 साल का है क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इसे याद नहीं है कि वो 18 साल का है क्या, इसलिए उसको शायद ज्यादा दूध की जरूरत है ताकि उसका दिमाग काम करे, तो क्या हो जाएगा सर, क्यूएसपीआर हो जाएगा। बी ही होगा 100%, हां बी ही होगा 100%, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो टाइम क्या हो गया, 46। एक और करते हैं क्वेश्चन अभी। ओहो नाइन्थ कहां गया, ये रहा, अच्छा उल्टे हो गए, दसवां कह रहा है मैं पहले आऊंगा, नाइन्थ कह रहा है मैं बाद में आऊंगा, कोई बात नहीं पहले हम नाइन्थ ही करेंगे। अन्ना हेड लॉन्ग टू सी हर सन, अन्ना को अपने बेटे को देखे बहुत ज्यादा दिन हो गए। ही विल अराइव एट द स्टेशन एट 10 o'clock, वो 10 बजे स्टेशन पे पहुंचेगा। सी सेड टू हरसेल्फ, अन्ना ने अपने आप से कहा। सी प्रीपेयर्ड हरसेल्फ फॉर इट, उसने इसके लिए अपने आप को तैयार किया। सी लुक्ड एट द क्लॉक, उसने घड़ी को देखा। देयर वर ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, केवल 5 ही मिनट बचे हुए थे। सी रस्ट, वो भागी आउट ऑफ हर हाउस, अपने घर के बाहर। एंड हेल्ड टैक्सी, उसने एक टैक्सी ली टू रीच, पहुंचने के लिए द स्टेशन इन टाइम, यानी समय पर स्टेशन पहुंचने के लिए टैक्सी ले ली। ये तो हर कोई कर सकता है क्या, देखो उसने घड़ी को देखा, देखा उसको टैक्सी मिली, मतलब घड़ी को देखा तो 5 मिनट बाकी थे, इसीलिए वो भागी और टैक्सी में बैठ गई, यानी सर RS6 होगा, RS6 होगा। अब RS6 कहां है, ये पढ़ा सर, RS6 यहां है क्या, यहां है क्या, यहां है क्या, नहीं है, समझ गए, हाँ जी सर। अब क्यों से शुरुआत हो सकी थी, देख लो, सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर इट, देखो अन्ना को अपने बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए उसने बेटे को देखने के लिए अपने आप को तैयार किया, ठीक है। और फिर अपने आप से कहा कि 10 बजे मेरा बेटा जो है वो पहुंचेगा स्टेशन पर, उसके बाद में घड़ी देखी, घड़ी में 5 मिनट बाकी थे, भाग के टैक्सी ली और घर चली गई, स्टेशन चली गई, क्या हो जाएगा सर, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए को धूम मचा दो, ए को धूम मचा दो, ठीक है, हाँ जी सर, एकदम इजी था सर, इजी था। तो भाई आज तो 10 के ठोकर मार के जाएंगे, यानी 10वां क्वेश्चन भी करके जाएंगे, 10वां क्वेश्चन भी करके जाएंगे, क्योंकि ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, समय के अनुसार इंसान को बदलना सिखाती है, समय के अनुसार इंसान को बदलना सिखाती है, इसीलिए आ जाओ बदलो अपने आप को समय के अनुसार, क्यों, क्योंकि हमारे यहां कहावत है कि समय को भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जावे, कदे कदे गादड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जावे। आ जाओ साहब, बोलो सर, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। वंस ए वीक दिशा लेड मोती गुज द एलिफेंट डाउन टू द रिवर, ओके सर। आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप, ओके सर। देन दिशा लुक्ड एट हिज फीट एंड एग्जामिन्ड हिज होल बॉडी फॉर सोर्स, ओके सर। द एनिमल न्यू इट वॉज टाइम टू रिटर्न, ठीक है। द एलिफेंट ले डाउन ऑन हिज साइड वाइल दिशा रब्ड हिम विथ अ कॉयर स्क्रबर, ठीक है। बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम, अब सर बताओ इसको फोड़ो, देखे फोड़ो, फोड़ो जी, कौन फोड़ेगा, फोड़ने वाले खड़े हो जाओ, अरे लाइक वाला बटन ही नहीं दबाया तुम लोगों ने, 200 लाइक नहीं करे यार, ऐसे कैसे बच्चे हो, एक बार इसको 200 पूरे करो, 171 को 200 तो पूरे कर दो कम से कम, ये इज्जत तो रख लो, इतनी लाज तो रख लो, कब से गला फाड़ रहा, मेहनत कर रहा तुम लोगों के लिए, समझा रहा कि कैसे पीक्यूआरएस होगा, हैं, हाँ इतना काम तो कर लो सर, बी कर दो, ए कर दो, बी को लॉक करो, अर्जेंट दुबे सेइंग दैट सर लॉक्ड बी, बी को लॉक करो, अभी देख लेंगे कौन सा होता है, अभी देखते हैं कि कौन सा होता है, अभी देखते हैं कि कौन सा होता है, चले चलो सर, देखो वंस ए वीक, यानी वीक में एक बार, दिशा लेड मोती, मोतीगुज नाम का एक हाथी था, उस हाथी को दिशा लेके जाती है डाउन टू द रिवर, कहां सर, रिवर के पास में, नदी के पास में लेकर जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सर इंस्पेक्शन के बाद में दोनों खड़े हो गए, तो इंस्पेक्शन तो करने दो, ये रहा एग्जामाइन कर रहा है, यानी इंस्पेक्शन कर रहा है, यानी क्यू के बाद में पी आ जाएगा, क्यू के बाद में पी आ जाएगा, ठीक है सर। एनिमल न्यू, एनिमल जानता था इट वॉज टाइम टू रिटर्न, कि लौटने का टाइम हो गया, ठीक है। एलिफेंट ले, एलिफेंट जो था वो लेट गया डाउन नीचे ही साइड, अपने साइड में, वाइल दिशा रब्ड, और दिशा ने उसको रगड़ा, है ना, दिशा ने उसको क्या किया सर, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के क्या कर दिया, नहला दिया। तो मेरी एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई,
ये तो बात लौटने की करने लग गया। हाँ जी सर, लौटने की करने लग गया। तो लौटने की बात करने लग गया, बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम, और फिर घर आ गए। यानी इनमें से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि ये इंस्पेक्शन वाला काम तो इसके बाद में होगा, यानी क्यू और पी हो जाएगा, ठीक। ये लौटने वाला काम है तो ये पहले आ नहीं सकता, तो पहले कौन आएगा, पहले तो यही आएगा, पहले एलिफेंट गया वहां जाके सोया, कहां, नदी के पास में जाके, और दिशा ने उसको क्या किया सर, रब किया, रगड़ा और रगड़ रगड़ के नहला दिया स्क्रबर से, किससे, स्क्रबर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरुआत तो एस से हो जाएगी, और उसमें क्यूपी आना चाहिए, एस से शुरुआत हो और क्यूपी आ जाए, बस उसी ऑप्शन पे टिक लगा दो सर, उसी ऑप्शन पे टिक लगा दो। एस से शुरुआत नहीं है, क्यूपी नहीं है, एस से शुरुआत नहीं है, क्यूपी नहीं है, एस से शुरुआत नहीं है, क्यूपी नहीं है, बोलो जी सर। हर अमावस को रात, हर अमावस की रात को गांव जलते हैं सर, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई क्या बात समझ में सर जी, आ गई। किस किस का सही है, श्री बिजाणिया इज सेइंग दैट सर मारो सही, ओहो तेरो सही, बहुत अच्छी बात है, हैं, बोलो बोलो बोलो। आर के बाद में पी आएगा, आर के बाद में पी आएगा, देखो देखिए आर के बाद में पी आएगा क्या। ये कह रहा है कि एनिमल न्यू, जानवर जानता था, ही वो इट वाज टाइम टू, अरे पी आर नहीं हो सकता क्या भाई, पी के बाद में आर नहीं हो सकता था क्या। देखो इंस्पेक्शन टू, इंस्पेक्शन हुआ और वो दोनों खड़े हो गए, तो एनिमल को पता चल गया कि जब खड़े हो गए तो अब क्या हो गया सर, लौटने का समय हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आरपी सही है, लेकिन मेन बात है कि एस से अपनी शुरुआत होनी चाहिए, एस से अपनी शुरुआत होनी चाहिए और क्यूपी होना चाहिए, और क्यूपी जब होगा ना, क्यूपी जब होगा ना, क्यूपी जब होगा ना, हाँ देखो एग्जामिनर, ये क्यूपी तो साथ ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए क्यूपी को चेंज नहीं कर सकते, आरपी नहीं कर सकते, क्यूपी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी क्लियर, क्लियर सर। अच्छा तुम लोगों ने लाइक भी कर दिए पूरे, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वाह जी वाह जी वाह जी, क्या बात है। यदि कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसने अभी तक भी स्पोकन का बेस नहीं लिया है, तो बेटा इंग्लिश स्पोकन के लिए हर शाम 6 बजे मैडम विशाखा के द्वारा एक सुपर सेशन आपके लिए होता है माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। हर बच्चा इसमें आ सकता है और अपनी स्पोकन की जो क्वालिटी, जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूव कर सकता है बहुत अच्छे ढंग से। इसके अलावा प्यारे बच्चे 1299 का अपना एक बैच है, जिस बैच में हम रेगुलर टॉपिक वाइज और मिक्स लाइव प्रैक्टिस करते हैं। एनडीए सीडीएस के बच्चों के लिए बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर सारे टॉपिक्स की आपको क्या मिल जाती है, मॉक मिल जाती है, आप रेगुलर मॉक लगा के अपने आपको तैयार कर सकते हैं, और लाइव क्लास होती है जैसे यूट्यूब पे हो रही है, और उसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, ठीक है। हाँ जी अभी एक सरप्राइज देने वाला हूं, रुक जाओ एक मिनट, है ना। हाँ जी सुनो, 649 का अपना एक सुपर बैच और है, और ये जो बैच है इसमें आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलता है, रैंकिंग सिस्टम, नेगेटिव मार्किंग, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के साथ में ये बैच के फीचर्स जो है वो भी बहुत यूनिक है। इस बैच में नोट्स लेने चाहिए आपको और नोट्स को रेगुलर रिवाइज करना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सको, ठीक है। टीम स्पेस आर एस आर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और प्यारे बच्चे फिर भी कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब मंडे को हम लेंगे नया अवतार, मंडे को हम लेंगे नया अवतार, मंडे से हमारी तैयारी इस कदर हो जाएगी। ईडियम्स की भी प्रैक्टिस करा दो सर, पूरी याद कर ईडियम्स, सुनो मेरी बात को हरिओम बेटा, हरिओम जोरवाल, ये सारे के सारे काम होंगे। मंडे को हम नए रूप में आएंगे, तो मंडे को आपको एक अलग जोश के साथ आना है। मंडे को जो आप थंबनेल देखोगे हमारी क्लास का, तो आपको खुद को लगेगा कि यार मंडे से इंग्लिश की क्लासेस कुछ यूनिक होने वाली है, ठीक है। यानी हम उन कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश के उन सारे रूल्स पे चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया बहुत अच्छे से, अब उन्हीं कॉन्सेप्ट में से आपका क्वेश्चन कहां से बनता है, ठीक है, उन चीजों के ऊपर, और स्पेशली उन बातों पे कि बच्चा कंफ्यूज होता है और जिद करता है कि सर ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार के जो कंट्रोवर्शियल मैटर्स होते हैं जो बच्चे के समझ में नहीं आते, हम उन्हीं चीजों को लेके मंडे से फील्ड में उतरेंगे। मंडे से आपके साथ रहूंगा, और मंडे के बाद में आपको जो चीजें इंग्लिश में मिलने वाली है बेटा, इस लेवल की चीजें मिलेगी, आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार इंग्लिश में ये चीजें भी होती है जो अपने एनडीए सीडीएस में काम में आती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे लेता हूं इजाजत, चलता हूं, बाय, सी यू, लव यू ऑल, नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सभी को। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा निकले, इस पुराने साल में यदि कोई भी गलती मुझसे हुई है, किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी मेरा कोई भी छोटी मोटी यदि मन में मनमुटाव हो, तो उसको यहीं रिमूव कर देना। न्यू ईयर में चलना है नए विचारों के साथ, एक नई जोश और नई उमंग के साथ में। अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत बेटा।